बाज शहरों और मार्केटों में 85% बिजली चोरी होती है। बिजली की कीमतों के खिलाफ ख्वाजा आसिफ भी मैदान में आ गए। एक निजी टीवी पर इंटरव्यू के दौरान साबिक वजीर दिफा और रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ख्वाजा आसिफ का कहना था कि बाज शहरों और बाज मार्केटों में 85% बिजली चोरी होती है। बिजली चोरी का नुकसान पूरा करने के लिए रेट बढ़ा दिया जाता है। मुफ्त बिजली के हवाले से उनका कहना था कि अरकान असेंबली या वजीरों को बिजली मुफ्त नहीं मिलती, अदलिया और ब्यूरोक्रेसी बिजली मुफ्त इस्तेमाल करते हैं। ख्वाजा आसिफ ने मजीद कहा कि अल्लाह की दी हुई रोशनी कोई इस्तेमाल नहीं करता। दिन 12 बजे के बाद मार्केटें खुलती हैं, दुकानों में 500-500 वाट के बल्ब लगे होते हैं। इससे कबल भी अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर भी बिजली चोरी के हवाले से उन्होंने लिखा कि आजाद कश्मीर फाटा बलूचिस्तान से 200 अरब से जायद बिजली की कीमत रिकवर नहीं होती। सारे मुल्क में 650 अरब से जायद बिजली चोरी होती है। बड़े शहरों मार्केटों 70-80% बिजली चोरी होती है। ये बोझ आम सारिफ पर पड़ता है। उन्होंने मजीद बताया कि इस वक्त वफाकी हुकूमत 900 अरब से जायद सब्सिडी चोरी, कम अदायगी और लाइन लॉसेस को कवर करने के लिए पावर सेक्टर को अदा करती है। यही रकम आम सारिफ को सस्ती बिजली मुहैया करने के लिए इस्तेमाल हो सकती है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।